नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हमारे बीच अभिषेक कुमार सिंह उपस्थित हैं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2018 में 244 रैंक इस बार हासिल किया है और प्रीलिम्स 2019 का जो एग्ज़ाम 2 जून को होने जा रहा है, उस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। वैसे तो समय काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि इन 4 या 5 दिनों में क्या अच्छा हो सकता है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि अभिषेक कुमार सिंह जी कुछ इस संबंध में बताएं आपको। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश अ वेरी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर टेकिंग सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019। और जैसा कि सर कह रहे हैं कि अगले 6 दिन में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो फ्रूटफुल हो, एट द आउटसेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज रिविजन। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ आपने कवर किया है, जितना कुछ सिलेबस में आपने पढ़ रखा है, आप उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। टेस्ट सीरीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू हैव 7 डेज, एटलीस्ट 7 टेस्ट सीरीज, यू शुड अटेम्प्ट 7 टेस्ट सीरीज एंड यू शुड ट्राई टू गो थ्रू द एंसर्स एंड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ दैट। उसके अलावा कुछ हॉट टॉपिक्स या की एरियाज होते हैं जिसपे यूपीएससी साल दर साल हमेशा फोकस करता है। अगर आपने पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड्स आपने देखे होंगे, अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट किए होंगे, तो आपको एक आइडिया होगा। आई वुड लाइक टू पुट दिस फॉरवर्ड कि आप उसको स्टिक करें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म जैनिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। संगम लिटरेचर इन द संगम पीरियड इन साउथ ऑफ इंडिया इज सो। सिमिलरली हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स हैं, उनके थ्रू यू गो थ्रू दोज टॉपिक्स, यू ट्राई टू रिवाइज देम। जो कुछ आपने अभी तक कवर किया है, जितने नोट्स आपके पास हैं, आप उसको बार बार पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट होना चाहिए कि दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट अबाउट लाइफ एंड डेथ। सो आप बिल्कुल खुले माइंड से और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कि आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है लास्ट 1 साल में, 10 महीने में, आप उसको पूरा इम्प्लॉय करें और तब आप पेपर अटेम्प्ट करें। आई थिंक यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। मुझे लगता है कि इस बार का जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो 4 से 5 दिनों में, कभी भी हम किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो हम एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले हम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रिवाइज करते हैं जिसके एग्ज़ाम्स में आने का ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ चीज़ों को आप देखें कि जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे GI टैग पूछे जाते हैं, जैसे नेशनल पार्क से तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IUCN की जो रेड लिस्ट आती है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, या वो ज्योग्राफी हो, जैसे ज्योग्राफी में हम साइक्लोन की बात कर सकते हैं कि इस बार काफ़ी साइक्लोन वगैरह आए हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, वो हमेशा पूछी जाती हैं। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर का टॉपिक है, जैसे इरीगेशन है, इरीगेशन में आप देख सकते हैं कि इस समय जो है बहुत सारे फंड बनाए जाते हैं, बहुत सारे फंड के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इरीगेशन है, एग्रीकल्चर है, कृषि संपदा योजना है, जिस प्रकार से आपने देखें कुसुम योजना है, तो इस प्रकार की जो भी साल भर चीज़ें जो चर्चा में रही हैं, और पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए संभावित हैं, पोटेंशियल है। अगर आप उन चीज़ों को फोकस करेंगे 4 से 5 दिनों में, तो रिविज़न अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। और जब भी हम एग्ज़ाम में जाएं, तो एग्ज़ाम में जाने के बाद आपका प्रयास ये होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पहले ही राउंड में हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश न करें, उनको फर्स्ट राउंड के बाद एक बार हम क्वेश्चन पेपर को जब देख लेते हैं, थोड़े से समय के बाद हमारा जो माइंडसेट होता है थोड़ा कूल हो जाता है, और वो क्वेश्चन जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, हम सेकेंड अटेम्प्ट में उन्हें ठीक से कर पा सकते हैं और हो जाते हैं ऐसे प्रश्न। थोड़ा सा आप ध्यान दें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो आप निश्चित रूप से जो है कर सकते हैं। और कुछ जहाँ तक मैं कट ऑफ की बात करूँगा, तो मैं अभिषेक जी से कहूँगा कि किस प्रकार से हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे कि हम लोग एग्जाम में अपने आप को सिक्योर समझें। अभिषेक जी प्लीज। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं इस टाइम पे, कि वो प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि बेस्ड ऑन लास्ट फ्यू ईयर ट्रेंड्स, इतने मार्क्स कट ऑफ जाएंगे एंड इतने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए। से फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट हु इज ऑलरेडी प्लानिंग दैट द कट ऑफ विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 110 to 120, सो दैट स्टूडेंट विल बी फोकसिंग दैट ओके आई हैव टू अटेम्प्ट एट लीस्ट 65 to 70 क्वेश्चंस। नाउ एग्जामिनेशन में जाने के बाद अगर आपने ऑलरेडी एक माइंडसेट बना रखा है कि इतने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं एंड द एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग योर वे,
you are somewhere around 50 questions, so you start panicking. You start thinking of all the negative aspects of what if you don't get through the examination. I think wo nahi hona chahiye. So the sense of detachment that I was talking about is that aap ek khule mind se set se jaye examination mein. Question paper ko achhi tarah se padhe. There are high chances that if you have studied all round the year, you will be able to attempt somewhere around 40 to 50 questions in first round confidently, which you will be sure about. Exceptional students who have really worked hard will be able to attempt around 60 questions, and that is a safe bet. After you have gone through the first round of reading, you can then go through the paper question by question और recall करने की कोशिश कीजिए कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा, क्या possible answers हो सकते हैं. There are around 5 to 7, 8 questions which you can still attempt based on elimination method, trick or the method in which you have certain idea जो directly related नहीं है, but आप बार बार question को पढ़ेंगे तो आपको answer मिलने के chances ज़्यादा हैं. And that way there is no said number of questions that you should attempt. Yes, 60 questions, I think it's very safe to say that if you are having 60 correct answers, you will be able to qualify for this examination. But if you are thinking that you are going to attempt 85 questions anyhow, you make it a matter of do or die, then I think that will be catastrophic if the examination is not going your way. So, बहुत ही खुले मन से और बिल्कुल confident होके हर question को attempt करना है. Try to secure somewhere around 120 marks. That does not mean ki if you are securing somewhere around 110, you should start panicking or you should start taking chances unnecessarily. Aisa nahi karna. Aap hit and trial bhi sirf tabhi kar sakte hain jab aap confident ho uske bare mein. So this is how you have to approach the paper, I think. मुझे लगता है कि क्योंकि आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो कभी कभी लगता है कि हम हारने जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा देखते हैं कि अचानक के सिक्सर लगा देते हैं, 2 से 3 और लगा देते हैं कि बाजी उनके हाथ में चली गई. तो कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रीलिम्स में मैंने कभी कभी ऐसा देखा है कि स्टूडेंट जो है लास्ट टाइम पर थोड़ा पेशेंस बना के रखता है और उसने लास्ट मोमेंट पर कुछ उसने ऐसी चीज़ों को पढ़ा जिससे कि वो प्रीलिम्स में जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया, कट ऑफ को पार कर गया. तो 4 से 5 दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मतलब पैनिक ना करें, चीज़ों को ये देखें कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. ये तो अप्रोच मुझे लगता है स्टूडेंट को होना ही चाहिए. इतना तो सेंस होना चाहिए कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस सेंस से नहीं पढ़ते तो मुझे लगता है फिर तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो जाता है और आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे. क्या कहना है आपका? यस सर. सो दो टाइप के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं. एक ऐसा होता है जब लास्ट 5 डेज में हमें ये लग रहा होता है कि हमने थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ रखी है, बट करंट अफेयर्स हमें टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का. सो एक ये हो गया. दूसरा ये होता है जो बच्चे करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और एंड मोमेंट पे उनको ये लगता है कि उनका थ्योरी पोर्शन छूट गया है, जो करंट अफेयर्स के माध्यम से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. दोनों एक्सट्रीम फेजेस हैं. आई मीन इफ़ यू आर टू रिलायंट ऑन करंट अफेयर्स, यू आर लीविंग थ्योरी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, एंड अदर वाइस वर्सा ऑल्सो. सो इस 5 दिन में आप एक ये कर सकते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ रखी है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो करंट अफेयर्स के बारे में, आप थ्योरी पूरी तो नहीं पढ़ सकते अब, लेकिन जो करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर रहे हैं, आप उसके बैकग्राउंड की जो थ्योरी है वो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें. अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ रखी है, उस थ्योरी से रिलेटेड करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं न्यूज़ में, क्या फोकस एरियाज है, अगर आप सिर्फ उसको 5 मिनट पर टॉपिक देकर समझने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स को, तो आपका ये जो डैमेज कंट्रोल मोड होता है एंड मोमेंट पे कि कुछ ऐसा पढ़ लूँ जो छूट गया है, वो आई थिंक इन अ प्रोडक्टिव वे चला जाएगा, रादर देन जस्ट डरने के कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया है एंड इट विल इम्पैक्ट माई रैंक, इट विल इम्पैक्ट माई क्वालिफिकेशन. आई थिंक दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी. आप कुछ नया मत पढ़िए, जो आपने पढ़ रखा है आप उसको कंसॉलिडेट कीजिए. तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू अप्रोच टुवर्ड्स प्रीलिम्स इन द नेक्स्ट 5 डेज. तो मुझे लगता है अभिषेक जी ने काफ़ी चीज़ों को आपको प्रीलिम्स के बारे में बताया, और हम लोगों की तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और निश्चित रूप से जो है आपका एग्ज़ाम्स अच्छा होगा. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद.